रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे आसपास बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके महत्व को हम नहीं जानते। उनके गुणों को ना जानकर हमें उनके फायदों का पता नहीं चलता। हमारे बुजुर्ग इन गुणों को जानते थे और इनका भरपूर इस्तेमाल करते थे और प्राकृतिक रूप से सेहतमंद रहते थे। उस वक्त ना तो डॉक्टर्स थे और ना ही इतनी मेडिकल फैसिलिटीज। एलोपैथी चिकित्सा पद्धति तो बहुत बाद में आई थी। इसके विस्तार के साथ सेहत पर इसके बुरे प्रभाव भी सामने आ गए। हमारे बुजुर्ग सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे। ऐसी बहुत बहुमूल्य और गुणकारी चीजों में गेहूं के छोटे छोटे पौधों का रस यानी वीट ग्रास जूस शामिल है। अनेक रिसर्च में इसके गुणों का सबूत मिला है। ये बहुत एंटीऑक्सीडेंट और अपने गंभीर रोगों में बहुत राहत देने वाला रस है। इसको पीने से पाइल्स, शुगर, अर्थराइटिस, पीलिया के साथ ही अनेक पुराने रोगों और बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। बुढ़ापे की कमजोरी को दूर करने के लिए भी ये मदद करता है। इसकी अद्भुत हीलिंग प्रॉपर्टीज को देखते हुए इसे ग्रीन ब्लड कहा जाता है। कहते हैं कि गेहूं के छोटे पौधों का रस मनुष्य के खून से लगभग 40% मेल खाता है। इस रस को तैयार करने का तरीका बहुत आसान है। इसे हर कोई अपने घर में तैयार कर सकता है। मिट्टी के गमले या बर्तन में अच्छी मिट्टी भरकर उसमें बारी बारी से कुछ गेहूं के दाने बो दीजिए। बर्तन को छाया में रख के या कमरे में रखकर थोड़ा थोड़ा पानी देते रहिए। इसे धूप मत लगने दीजिए। करीब 4 दिन में पौधे उग जाएंगे। 8-10 दिन में उनकी ऊंचाई करीब 7 से 8 इंच हो जाएगी। उस वक्त आप इसमें से पहले दिन के बोए हुए 30 से 40 पौधे जड़ के साथ काट कर फेंक दीजिए। बचे हुए डंठल और पत्तियों यानी ग्रीन ग्रास को धोकर साफ पत्थर पर थोड़े पानी के साथ पीसकर करीब आधा ग्लास रस निकाल लीजिए। ताज़ा रस पीजिए या रोगी को पिलाइए। कुछ ही दिनों में मरीज को नया जीवन मिलने जैसा एहसास होगा। वह पूरी तरह सेहतमंद भी हो सकता है। अगर आप रस निकालने में कठिनाई महसूस करते हैं तो इन पौधों को चाकू से बारीक काट कर खाने के साथ सलाद के रूप में भी खा सकते हैं। बहरहाल इसके साथ कोई फल या आदि ना खाए। ये कुदरत की ऐसी देन है जिसके आगे बहुत महंगी दवाई और डॉक्टर भी फीके पड़ जाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि पौधे 8 इंच से ज्यादा हो जाने पर उपयोग के लायक नहीं रह जाते। इसलिए उन्हें 10 से 12 गमले या बर्तन में रखकर बारी बारी से रोजाना 1-2 गमलों से दाना बोना होगा। जैसे जैसे गमले खाली हो जाते हैं वैसे वैसे दाना बोते चले जाइए। इस प्रकार इस तरह के पौधे पूरे साल उगाए जा सकते हैं। रस निकालकर ज्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए। इसे ताज़ा पीना ही लाभदायक है। कुछ घंटे रखे रहने पर भी इसकी गुणवत्ता खत्म हो जाती है। इसके अलावा आधा कप गेहूं लेकर धो लें। उसे किसी बर्तन में डालकर 2 कप पानी डालें। 12 घंटे बाद वह पानी निकालकर सुबह शाम पिया जा सकता है। बचे हुए गेहूं को स्वादिष्ट बनाकर वैसे भी खाया जा सकता है। कुछ लोग इसका हलवा भी बना लेते हैं। इस अमृत जैसे रस का महत्व और इसे तैयार करने की विधि खुद अपनाइए और दूसरों को बताकर समाज की बहुत बड़ी सेवा की जा सकती है। हमारे ऋषियों ने सेहतमंद चीजों को पूजा पाठ में शामिल कर उनके महत्व को और बढ़ाया है ताकि लोग इन्हें भूल ना जाएं। इनमें तुलसी दल, बेलपत्र, चंदन, गंगाजल, गौमूत्र, शहद, रुद्राक्ष इत्यादि शामिल हैं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन जरूर क्लिक करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। आप कैसे वीडियोस देखना चाहते हैं कमेंट्स के जरिए अपने सुझाव दें। अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी शेयर करें।